आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक पंथ में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यदि एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुना जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लड़का होगा। तो इस अगर किसी भी विद्यार्थी को चुना जाता है तो लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमको कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी अगर हम देखें तो कुल विद्यार्थी हमारे लड़कियों की संख्या, सॉरी इसको फिर से लिख लेते हैं, लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या, ये हो जाएगा हमारा लड़कों की संख्या। तो अगर हम लड़कियों की संख्या देखें, लड़कियों की संख्या हमारी 13 है, लड़कों की संख्या हमारी 15 है, तो 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 3, 8, 10, 10, 20, तो ये हो जाएगा हमारा 28। तो 13 धन 15 कितना हो जाएगा, हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 28। अगर हम देखें तो लड़कों की संख्या हमारी कितनी है, लड़कों की संख्या है हमारी 15। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम प्रायिकता देखें तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम। मतलब अगर हम 15 हमारे लड़के हैं तो यही हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा हमारा, 15। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारी प्रायिकता हो जाएगी 15, मतलब अनुकूल परिणाम 15 बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारा कितना है 28, तो हमारा 15 बटे में 28, यही हो जाएगी इन इन लड़कियों और लड़कों की प्राय लड़कियों में से लड़कों की को चुनने की प्रायिकता, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।